नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अल्टीमेट पंक में। आज मैं लाया हूँ बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना, मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, जो कि बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने जाहिर की है। यह मुख्यमंत्री राहत कोष बिहार से आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के माध्यम से मुख्यमंत्री विशेष सहायता अंतर्गत बिहार से बाहर फंसे हुए लोगों को राशि रुपया 1,000 दी जाएगी। इससे प्राप्त करने हेतु नीचे दी गई लिंक में मोबाइल ऐप कोरोना सहायता बिहार डाउनलोड करें तथा अपने बारे में सूचित अंकित करें। यह योजना मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना है। यह योजना केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो बिहार राज्य के निवासी है तथा बिहार राज्य से बाहर कोरोना वायरस के चलते फंसे हुए हैं। इसके ज़रूरी कागजात निम्नलिखित है। नंबर एक, लाभार्थी के आधार कार्ड की प्रति। नंबर दो, लाभार्थी के नाम एवं बैंक खाता से बिहार राज्य में अवस्थित किसी बैंक के ब्रांच में हो। अन्य महत्वपूर्ण बातें, लाभार्थी की फ़ोटो का मिलना आधार डेटाबेस के फ़ोटो से किया जाएगा, अतः आधार का फ़ोटो साफ होना चाहिए। नंबर दो, एक आधार संख्या एक ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नंबर तीन, मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP मोबाइल ऐप पर करना होगा। नंबर चार, इससे संबंधित सहायता सिर्फ बैंक खाते में ही भेजा जाएगा। यह ऐप की दो लिंक है, इसकी दोनों डिफरेंट लिंक दी गई है, लिंक वन और लिंक टू। इसमें हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। आइए चलो देखते हैं मुख्यमंत्री विशेष सहायता एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का इंटरफेस इस टाइप का है कुछ। बिहार सरकार मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, जैसे हम प्रिय बिहार वासियों, कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरी मानव जाति संकट के दौर से गुजर रही है। देश में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इस महामारी की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति का सचेत रहना नितांत आवश्यक है। जैसे ही हम ये एप्लीकेशन ओपन करें, हमारे श्री माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का एक वीडियो संदेश हमें मिलेगा। उसके बाद हम जैसे ही नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पंजीकरण का सुधार के लिए इस बटन को दबाएं। इसमें कुछ आवश्यक सूचनाएं दी गई है। मैं बिहार का निवासी हूँ, मैं मेरा बैंक खाता बिहार राज्य के बैंक ब्रांच में है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक IFSC कोड डालें। इसमें जो हमारा बैंक का IFSC कोड डालना है वो भी दिखाया गया है। फिर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का भी IFSC कोड हमें डालना है। वैसे लोग जो पंजीकरण नहीं कर पाए हैं थे वे पुनः प्रयास भी कर सकते हैं। कृपया फोटो का सेल्फी न ले, अन्यथा आपका आवेदन अस्वीकृत होएगा। हमें इस एप्लीकेशन में हमारी सेल्फी नहीं डालनी है, हमारा जो फोटो जो होता है वही हमें एग्जैक्ट फोटो ही डालना है। उसके बाद में जैसे ओके पे क्लिक करूँगा, हमें अपने पहले अपना आधार कार्ड इसमें आवेदन करना होगा। आधार कार्ड की सब डिटेल्स डालनी पड़ेगी। जैसे मैं अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करूँगा, आधार कार्ड का पूरा फोटोज़ इसके तरह आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा जो फोटो कॉपी होती है वो भी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद इसमें लिखा है आधार कार्ड फ़ोटो खाता संख्या में सुधार करने, अपना स्टेटस देखने एवं वीडियो डालने के लिए इस बटन को दबाए। और जो ऊपर का ऑप्शन है वो पंजीकरण के लिए इस बटन को दबाए। इसमें हमें थोड़ी सी डिटेल्स डालनी है, मानो कि गृह जिला का नाम हमारा कौन सा जिला है। फिर जैसे कि हमारे जो जिले हैं बिहार के, किशनगंज, कैमूर, खगड़िया, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, ठीक है। उसके बाद कैमूर, हमें गृह प्रखंड का भी नाम लिखना है। उसके बाद हमें हमारी पंचायत का भी चयन करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम डालूँगा,
उसके बाद मुझे यहाँ पे मेरा आधार नंबर डालना है, फिर लाभार्थी का लिंग पुरुष, फिर पिता पति का नाम और लाभार्थी का आधार नंबर। उसके बाद हम जैसे भी यहाँ पे स्थापित करेंगे तो जो हमारे डिटेल्स है वो एप्लीकेशन में रजिस्टर हो जाएगी और हम अपना आवेदन इस एप्लीकेशन के ज़रिए कर पाएंगे। इस एप्लीकेशन के बारे में अगर आपको कोई भी टेक्निकल सपोर्ट या और कोई जानकारी चाहिए और कोई इश्यू है तो आप अपना जो अपना मैसेज कमेंट के द्वारा लिख सकते हैं। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियो की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्टीमेट फंक। धन्यवाद।